On a classic subject computer, today we will understand next topic of chapter number 10 more about internet. So today topic is e-greeting. देखिए e-greeting क्या होता है. e-greeting एक electronic greeting card है जिन्हें आप internet के through अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज सकते हैं. अगर आपको कोई भी ब्लेसिंग देनी है, कोई भी इनविटेशन देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ई ग्रीटिंग इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसे आप इंटरनेट के थ्रू अपने दोस्तों या रिश्तेदार को भेज सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉग्स. जो ब्लॉग्स हैं वो क्या होते हैं. देखिए जो ब्लॉग्स हैं वो यूज़र को अपने विचारों, मतलब जो उनके थॉट्स होते हैं, उसे दुनिया के साथ साझा करने की अनुमति देता है. ठीक है, अगर आप दुनिया के सामने अपने कोई भी विचार रखना चाहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ब्लॉग्स में उसे लिख सकते हैं. आप हर समय एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ मुफ्त और साइन के लिए एक ब्लॉग बना सकते हैं. आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो मुद्दे होते हैं उस पर भी अपने विचारों को ब्लॉग में लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्विटर. देखिए ट्विटर क्या होता है. ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट बेस्ड मैसेज सेंड करने और रिसीव करने की परमिशन देता है. मतलब ट्विटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हैं उन्हें सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. आप ऐसे ट्वीट भी लिख सकते हैं जो 140 वर्डों तक के हो सकते हैं. जो ट्विटर है, ट्विटर की स्थापना जैक डॉर्सी ने की है. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ ग्रुप. देखिए न्यूज़ ग्रुप क्या है. यह एक कम्युनिटी है जो इंटरनेट पर एक विषय विशेष की चर्चा के लिए समर्पित है. टॉपिक उन वर्तमान घटनाओं पर भी हो सकते हैं जो हमारे आसपास हो रही है. मतलब आप न्यूज़ ग्रुप के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर किसी जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप न्यूज़ ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं. स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू.